फ्रेंड्स, तो आज हमारा चैप्टर टू स्टार्ट होगा जिसका नाम है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आइडेंटिटीज देखते हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, ठीक है। तो और अगर ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ठीक है। और एक और आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको हम ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो ये तीन तो आपने शायद से 8 में पढ़ रखी थी, तो इनको ही हम अभी हम रिवाइज करेंगे थोड़ा। तो अब अगला टॉपिक है पॉलिनॉमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है। तो जैसे एक हम वेरिएबल ले लेते हैं एक्स, अब हम इसी पे बात करेंगे, ठीक है। तो वन वेरिएबल मतलब एक ही वेरिएबल होगा ये, जो कि होगा एक्स, तो जैसे पॉलिनॉमियल्स मतलब, इसकी पावर कुछ भी हो सकती है। तो अगर ये टू हो, इसकी पावर टू होगी तो क्वाड्रेटिक, थ्री होगी तो क्यूबिक, और फोर होगी तो बाई क्वाड्रेटिक होगी। ठीक है, तो जैसे एक्स की पावर फोर प्लस एक्स प्लस टेन, ये हमारा पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल है क्योंकि एक्स एक्स ही है, और फाइव एक्स, ये भी वन वेरिएबल में ही है। और जो भी आप सोच सकते हैं टेन की टेन एक्स की पावर टेन, ये भी वन वेरिएबल होगा। तो फिर तो ये जितने भी हमारे हैं इनको हम टर्म्स कहते हैं। जैसे एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है, एक ये टर्म है पूरा, एक ये टर्म है पूरा। तो ऐसे ही है। तो फिर अब हम बात करते हैं कोएफिशिएंट्स की। कोएफिशिएंट्स तो जैसे कोई भी एक पॉलिनोमियल लेते हैं, टेन एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस टेन, ठीक है, कोई भी ले लिया। तो अब जैसे कोएफिशिएंट है, कोएफिशिएंट होता है जो भी हमारा एक्स है या फिर एक्स स्क्वायर है उसके साइड में जो नंबर है, ये हो गया कोएफिशिएंट्स। ये हो गया कोई एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, ये होगा एक्स का कोएफिशिएंट। ठीक है। तो इसकी कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ज़्यादातर कोएफिशिएंट में। तो फिर अब आगे चलते हैं, अब एग्जांपल रन करते हैं। एग्जाम्पल वन, एक सेकेंड उसे। तो अब मैं बताने जा रहा हूँ जीरो पॉलीनोमियल, जीरो पॉलीनोमियल, पॉलिनोमियल जिसकी एक्स की पावर जीरो होगी, तो यानी कि जैसे फाइव टेन, इसमें एक्स की पावर जीरो है और हमको पता है एक्स की पावर 0 1 होता है, तो इसलिए जीरो पॉलीनोमियल होगा। तो फिर अब हम बात करते हैं डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ ए पॉलीनोमियल, तो डिग्री होगी जो भी हाईएस्ट पावर होगी एक पॉलिनोमियल की। तो जैसे एक एग्जांपल लेते हैं टेन एक्स की पावर टेन प्लस टेन एक्स की पावर नाइन, ऐसे सो ऑन, तो ये प्लस टेन, ठीक है। अब इसमें हाईएस्ट पावर क्या होगी, एक्स की पावर 10, तो यानी कि डिग्री होगी इसकी 10। ठीक है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। टेन एक्स की पावर टेन माइनस माइनस एक्स की पावर इलेवन माइनस इलेवन, इसमें क्या होगी हाईएस्ट डिग्री, 10 नहीं 11 होगी क्योंकि एक्स की पावर 11 ज़्यादा बड़ा है, तो इसकी डिग्री होगी 11। ठीक है। तो अब एग्जांपल पे चलते हैं। सबसे पहला एग्जांपल फाइंड द डिग्री, मतलब इसमें डिग्री बतानी है। सबसे पहला एक्स का क्यूब माइनस एक्स की पावर फोर प्लस थ्री, ठीक है। तो इसमें जैसा हाईएस्ट पावर फोर है तो इसका फोर होगा, ठीक है। लेकिन अगर कहीं पे भी फोर से बड़ा हो गया, जैसे अगर यहाँ पे माइनस एक्स की पावर फाइव होता तो फिर फाइव आता आंसर इसका, लेकिन अभी हाईएस्ट यहाँ पे फोर ही है तो फोर होगा इसका आंसर। सेकंड देखते हैं।
टू माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब प्लस टू वाई की पावर ए, ठीक है। तो इसमें पॉलिनॉमियल वाई के टर्म्स में, तो ये पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल ही है क्योंकि इसमें पूरे में वाई है, तो इसमें हाईएस्ट पावर होगी एट, तो इसका आंसर है एट, ठीक है। फिर अब आगे चलते हैं, अब एक्सरसाइज पे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.1, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। तो पहला क्वेश्चन है आइडेंटिफाई करना है एक टाइप से, वन वेरिएबल वाला, वन वेरिएबल पॉलिनोमियल। मैं इसका आपको फिफ्थ पार्ट बता रहा हूँ, एक्स की पावर 10 प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस टी की पावर 15। तो वन वेरिएबल यानी कि एक ही वेरिएबल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो तीन है, तो यानी कि नो, इट इज़ नॉट इन। वन वेरिएबल पॉलीनोमियल, तो एक और देखते हैं, थर्ड वाला देखते हैं एक बार, थ्री अंडर रूट टी प्लस टू अंडर रूट टी, ओ सॉरी, ये टी अंडर रूट टू होगा, तो माफ करिएगा, ये प्लस है, ऐसे बना देता हूँ, मेरे हिसाब से ये भी वन वेरिएबल में होगा, क्योंकि टी ही है इसमें, तो यस इसके लिए। तो अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। बाकी आप ट्राई कर लीजिएगा, इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। तो सेकंड है लाइट कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन, तो मैं आपको इसका थर्ड बता रहा हूँ, सॉरी पाई बाई, माफ करना, पाई बाई टू की इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, यानी कि ये पूरा टर्म आएगा, तो कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई बाई टू। ठीक है। और एक बार फोर्थ वाला भी देख लेते हैं। फोर्थ है अंडर रूट टू एक्स माइनस वन, इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं, तो इसको हम अगर चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, प्लस 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो इसकी बाद में अभी कट ही जाएगा अगर इसको नहीं लिखेंगे तो। तो इसमें हो जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो एक बार थर्ड देखते हैं, थर्ड में बोला आपको कि एक बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 बतानी है और एक मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसमें एक बार मैं बता देता हूँ बायनॉमियल क्या होता है, बायनॉमियल और मोनोमियल। बायनॉमियल जिसमें दो टर्म्स होंगे, जैसे एक्स की पावर 10 प्लस एक्स, इसमें दो टर्म्स है, तो ये बायनॉमियल हो गया, बाय मतलब दो होता है, ठीक है, और मोनो मतलब वन, तो यानी कि इसमें एक ही टर्म होगा, जैसे एक्स एक्स की पावर 10 दिस इज वन, तो आप समझ गए होंगे। फिर अब थर्ड देखते हैं, बायनॉमियल ऑफ डिग्री 35 कुछ भी लिख सकते हैं आप, बस इसकी हाईएस्ट पावर 35 होनी चाहिए, जैसे एक्स की पावर 35 प्लस 35 कर दीजिए, या एक्स की पावर 35 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 5, कुछ भी कर लीजिए, बस हाईएस्ट पावर आपको 35 रखनी पड़ेगी। और अब इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, मोनोमियल ऑफ डिग्री 100, तो इसका तो एक ही हो सकता है, या तो एक्स की पावर 100 या फिर वाई की पावर 100, या यहाँ पे बस वेरिएबल चेंज कर लीजिए, ठीक है। तो अब आगे चलता है, गिव द राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीनोमियल। इसमें डिग्री बतानी है सारे पॉलिनॉमियल्स की, तो मैं आपको इसका फोर्थ पार्ट बता रहा हूँ, तो फोर्थ होगा, फोर्थ है थ्री,
तो इसमें ज़ीरो होगी क्योंकि इसको इसकी पावर ज़ीरो रख सकते हैं, 3x की पावर ज़ीरो, तो डिग्री इक्वल टू ज़ीरो। बाकी तो आसानी है, आप कर लीजिएगा। उसके बाद एक बार फिफ्थ, फिफ्थ में बस आपको बताना है कि ये लीनियर, लीनियर में बता देता हूँ। लीनियर मतलब जिसकी जिसमें एक्स की पावर 1 मैक्सिमम होगी, क्वाड्रेटिक में उसकी डिग्री एक्स की पावर 2 होगी मतलब हाईएस्ट पावर, और क्यूबिक में एक्स की पावर 3 होगी। ठीक है, तो बाकी आपका ये कह ही सकते हैं। इसको मैं आपको थर्ड बता देता हूँ एक बार। वाई प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। अब देख सकते हैं इसमें हाईएस्ट पावर 2 है क्योंकि ये तो वाई की पावर 1 है, तो ये क्वाड्रेटिक हो गया। और बाकी सब भी ऐसे ही होंगे, आसानी है। तो अब हमारा अगला टॉपिक है जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल। तो जीरोज ऑफ ए पॉलीनोमियल एक मतलब ऐसी इंटीजर वैल्यू होती है जिसको अगर हम किसी पॉलीनोमियल में पुट करें तो उसका आंसर ज़ीरो आएगा, जैसे एक्स प्लस 1। ठीक है, अगर हम एक्स में -1 रखेंगे तो -1 प्लस 1 ये ज़ीरो हो गया, तो हम कह सकते हैं कि -1 इज़ अ ज़ीरो ऑफ पॉलीनोमियल, ऑफ पॉलीनोमियल एक्स प्लस 1। ठीक है, तो अब जैसे इसका एक एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। 5x³ -2x² प्लस 3x -2। ठीक है, तो इसका एफ एक्स ले लेते हैं, एफ एक्स आप इसका कुछ भी ले सकते हैं, एफ एक्स एच एक्स ए एक्स, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अब जैसे हम लेट एक्स इक्वल टू 0 पहले 0 पुट करके देखते हैं, तो हो जाएगा एफ 0 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे 7 की जगह 0 पुट करेंगे तो 5 ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो -2 आएगा। तो यानी ये ज़ीरो नहीं होगा पॉलीनोमियल का। तो अब एक बार एफ 1 रख के देखते हैं, तो ये हो जाएगा 5 -2 प्लस 3 -2, तो ये हो जाएगा 4, ये भी 0 नहीं होगा। अब -1 पुट करके देखते हैं, तो -1 का क्यूब -5, क्योंकि किसी भी क्यूब अगर किसी भी माइनस का जो पावर ऑड में तो वो माइनस ही आएगा। और अगर इवन में तो वो पॉजिटिव आएगा, तो ये भी -2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर साइन माइनस का यहाँ पर सामने, ये -3 हो जाएगा और ये -2 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, एक सेकेंड, हाँ ठीक है, तो ये हो जाएगा -12। अब कोई ना कोई तो वैल्यू होगी जो इसका ज़ीरो होगा, लेकिन अभी हम उतना नहीं देखें। तो एक एग्जांपल चलता है। एग्जाम्पल 2, पहला पार्ट ई एक्स इक्वल टू 5x² -3x प्लस 7 एट एक्स इक्वल टू 1। तो यानी कि हमको एक्स जगह 1 रखना है, तो पी 1 हो जाएगा 5 -3 प्लस 7, तो यह आएगा 9। तो ये इसकी एक वैल्यू हो गया, तो हम कह सकते हैं एट एक्स इक्वल टू 1 पी एक्स, सॉरी पी एक्स इक्वल टू 9। ठीक है, ये इसकी एक वैल्यू हो गई, कोई भी नंबर पे वैल्यू हो सकती है। अब इसका सेकंड देखते हैं। क्यू वाई इक्वल्स टू 3y³ -4y प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, तो ये है एट y इक्वल टू 2, ठीक है। तो अगर हम इसमें y की जगह 2 रखें तो q2 इक्वल टू y का क्यूब 8, तो यानी कि 2 का क्यूब 8, 8 3 24, 24 -4 इंटू 2 -8 प्लस अंडर रूट 11, तो ये आएगा 16 प्लस अंडर रूट 11। ठीक है, तो ये भी एक इसकी वैल्यू होगी। तो अब एग्जांपल थर्ड देखते हैं।
check whether minus 2 and my and 2 minus 2 and 2 are zeros of x plus 2. तो इसको हम f x ले लेते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले 2 लिख के देखते हैं, f 2 हो जाएगा 2 plus 2 equals to 4, यानी कि ये नहीं होगा. लेकिन अगर हम minus 2 लिख के देखेंगे तो minus 2 plus 2 equal to 0, तो यानी कि minus 2 इस वाले polynomial का 0 होगा. तो अब example 4 भी एक बार देख लेते हैं, वो भी बढ़िया. example 4 find 0 तो हमको देखा था पी एक्स इक्वल टू टू एक्स प्लस वन. जब भी हमको जीरो निकालना होता है तब हम ये इसको हम जीरो से इक्वेट कर देंगे या फिर हम पी एक्स को जीरो मान लेंगे. तो लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो तो टू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो तो हो जाएगा एक्स इक्वल टू टू एक्स तो एक्स हो जाएगा माइनस वन बाई टू. तो यानी कि जब हम एक्स को माइनस टू माइनस वन बाई टू रखेंगे तो पी एक्स की वैल्यू जीरो आएगी, ठीक है? अब सीधे एक्सरसाइज पे चलते हैं, बाकी एग्जांपल आप ट्राई कर लीजिएगा. एक्सरसाइज 2.2 तो सबसे पहला है पॉलिनोमियल को लिया था, एफ एक्स को मान लेता 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3, ठीक है? तो इसका पहला पार्ट है एट x इक्वल टू जीरो, सेकेंड है एट x इक्वल टू माइनस वन, और थर्ड है एट x इक्वल टू टू. तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए सारे, x यहाँ पे पुट कर लीजिए और फिर यहाँ पे वैल्यूज पुट कर दीजिए. तो एक सेकेंड, ये माइनस वन है माइनस वन, ठीक है? तो एक बार आप ट्राई कर लीजिए. तो चलिए मैं शुरू करता हूँ. तो सबसे पहला है एफ ज़ीरो बचेगा ज़ीरो ज़ीरो, तो ये थ्री बचेगा सिर्फ, ठीक है? अब एफ माइनस वन तो माइनस फाइव प्लस फोर, तो लेकिन यहाँ पे स्क्वायर है तो माइनस फोर ही रहेगा, ये प्लस थ्री तो हो जाएगा माइनस सिक्स. अब थर्ड है एट एक्स इक्वल टू टू, तो एफ टू हो जाएगा टेन माइनस सिक्सटीन प्लस थ्री, तो ये हो जाएगा माइनस थ्री, ठीक है? तो अब सेकंड एक बार आप ट्राई कर लीजिए, मैं आपको इसका सेकंड बताऊंगा, आप फर्स्ट सेकंड थर्ड को फर्स्ट थर्ड और फोर्थ कर लीजिएगा. क्वेश्चन टू है फाइंड पी वन पी जीरो पी वन एंड पी टू. तो इसका सेकंड पार्ट है टी टी इक्वल्स टू टू प्लस टी प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब. तो सबसे पहले पी जीरो आप क्या देखते हैं, एक सेकंड, एक सेकंड थोड़ी गड़बड़ होगी, ओके चलिए चाहता हूँ टू प्लस टू टी स्क्वायर माइनस टी क्यूब, ठीक है? तो सबसे पहले पी जीरो देखते हैं, ये तो टू आएगा, यहाँ पे जीरो तो जीरो, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो, तो इसका आंसर तो टू आएगा. तो अब पी वन देखते हैं, टू प्लस वन प्लस टू माइनस वन हो जाएगा फोर. अब पी टू देखते हैं, ये तो टू आएगा, प्लस टू प्लस टू का स्क्वायर फोर, फोर इंटू टू एट, माइनस टू का क्यूब एट, तो ये भी फोर आएगा. तो ये सब आपके इसके वैल्यूज होंगे. तो फिर अब हम थर्ड देखते हैं, क्वेश्चन थर्ड स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन थ्री इसका मैं आपको क्वेश्चन मैं इसको आपको सिक्स्थ और सेवन्थ करवा रहा हूँ. तो पहले सिक्स देखते हैं, पी एक्स हमको देखा है एल एक्स प्लस एम और एक्स इज इक्वल टू माइनस एम बाई एल देखा है,
पुट करने, तो p माइनस m बाय l हो जाएगा l इंटू माइनस m बाय l प्लस m, ठीक है? तो l से l कैंसिल, तो ये माइनस m प्लस m, तो ये 0 हो गया। तो और इसमें हमको बताना था कि कौन कौन से इसके पॉलिनॉमियल के जीरोज हैं, तो यानी कि देयरफॉर माइनस एम कॉमा एल इज द जीरो ऑफ पी एक्स, पी एक्स इक्वल टू एल प्लस, सॉरी एल एक्स प्लस एम, ठीक है? तो अब इसका सेवेंथ हम देखते हैं। सेवेंथ है पी एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस वन, और हमको x दे रखा है -1/√3 और 2/√3। तो सबसे पहले ये आपके देखते हैं p -1/√3, तो ये हो जाएगा 3 इंटू -1/√3 का स्क्वायर -1, तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1/√3 -1, तो ये 1 -1 हो जाएगा 0, ठीक है? अब 2/√3 आप क्या देखते हैं, p इज इक्वल टू 3 की पावर 2/√3 -1, तो सेम 3 इंटू 2/3 -1 ये स्क्वायर होगा, तो ये 2 -1 ये हो जाएगा 1, तो देयरफॉर -1/√3 इज द जीरो ऑफ पी एक्स, जो भी हमको दे रखा है 3x का -1, ठीक है? तो फोर्थ में, फोर्थ भी, फोर्थ का मैं आपको तो चलिए अब फोर्थ करते हैं। फोर्थ का मैं आपको सिक्स्थ और सेवेंथ करवाया, बाकी आप कर लीजिएगा। तो सिक्स्थ है पी एक्स इक्वल टू ए एक्स कॉमा एक्स, सॉरी ए इज नॉट जीरो, तो यानी कि हमको ये वाला टर्म जीरो नहीं है, ये 1 2 3 कुछ भी हो सकता है। तो हम यहाँ पे लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो ले लेते हैं, तो ये जगह 0 इज इक्वल टू ए एक्स, तो इससे आएगा हमारे एक्स इक्वल टू जीरो। तो अगर हम एक्स को 0 रख देंगे तो फिर पी एक्स 0 हो जाएगा, तो यानी कि 0 इज़ अ पॉलीनोमियल, सॉरी 0 इज़ द 0 ऑफ अ पॉली ऑफ दिस पॉलीनोमियल, देयरफॉर 0 इज़ द 0 ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स इक्वल टू ए एक्स, ठीक है? अब सेवन देखता है, पी एक्स इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, ठीक है? और यहाँ पर हमको पता चला है सी नॉट जीरो है और सी कॉमा डी आर रियल नंबर, रियल है, ठीक है? तो अगर हम लेट पी एक्स इक्वल टू जीरो, ठीक है? तो 0 इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी, तो सी एक्स हो जाएगा -d, तो x हो जाएगा -d/c, तो ये भी इसका 0 होगा, तो देयरफॉर -d/c इज द 0 ऑफ पॉलीनोमियल -d/c इज द 0 ऑफ पॉलीनोमियल पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। तो हमारी एक्सरसाइज यहीं पे ख़त्म होती है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।